अगली सूक्ति है किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनम। क्या कहा? बोले किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनम। न आकृति नाम मंडनम, मंडनम न आकृति नाम। मंडनम माने होता है मंडित करना, प्राप्त कर लेना। न आकृति नाम कौन सी वह चीज है? मधुरा नाम किमिव, मधुरा नाम माने होता है कोमल, मधुर, सुंदर। मतलब कोई अगर सुंदर नाई, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है। ये सूक्ति कहां से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है कि मधुराणाम नाकृति नाम मंडनम ना, मधुराणाम किमिव हि मधुराणाम नाकृतम। बोले कौन सी ऐसी चीज है जो सुंदर लोगों पर अच्छी नहीं लगती? अब भाई शकुंतला कैसी है? सुंदर है, रूप में उसका बढ़िया है, तो वलकल वस्त्रों में भी वो बहुत सुंदर लगती है। वलकल वस्त्र साधु के वस्त्र, आभूषण नहीं है, फूलों का गजरा पहने हैं, फूलों का हार पहने हैं, फिर भी वो बहुत सुंदर लगती है। क्यों? क्योंकि कहा है, क्या कहा? बोले किमिव हि मधुराणाम, अरे ऐसी कौन सी चीज है जो सुंदरता में उसको और अच्छा नहीं करती है ना। मंडनम नाकृति नाम, मंडनम माने और ज्यादा उसको सुशोभित कर देती है। मतलब सुंदर व्यक्ति पर तुम कोई कपड़ा पहना दो अच्छा लगेगा, और एकदम रंग कैसा हो? पक्का रंग हो। पक्के रंग पर आप बड़ा सोच कर वस्त्र भी पहनने पड़ते हैं कि कौन सा पहने। अब खूब गोरा चिट्टा बढ़िया सुंदर खूबसूरत शरीर हो, चाहे जो आप वस्त्र पहन लो खिल जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर कही गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में कि किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। ऐसी कौन सी चीज है जो सुंदर लोगों पर सुशोभित नहीं होती? अर्थात हर चीज सुंदर लोगों पर सुशोभित होती है।